नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप लोग की चैनल सिविल नोटबुक पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग एक रेलवे की क्रॉस सेक्शन के बारे में डिटेल पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक 3D मॉडल लिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर देखिए, इस रेलवे की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है दोस्तों इसका डायरेक्शन, ओके। और क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है दोस्तों इसका क्रॉस सेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो इनको पहले मैं इरेज कर देता हूं। और यहां पर देखिए, मैं टॉप से आप लोगों को बताते जाऊंगा बॉटम की तरफ, ओके। सो यहां पर देखिए, टॉप पे जो आप देख पा रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेल। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेल, ओके। सो ये बेसिकली स्टील से बना हुआ होता है। ये इसको हम लोग गर्डर और बीम भी कह सकते हैं स्टील का, ओके। और इसके ऊपर से ही दोस्तों व्हील पास करता है, ट्रेन की जो व्हील होता है। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, व्हील। सो ट्रेन की जो व्हील होगा ये इन रेल के ऊपर से ही पास करता है इस तरीके से, ओके। और व्हील की जो लोड होता है ये देखिए इन रेल के ऊपर आता है, ओके। सो जो मूविंग लोड है ये इन रेल्स के ऊपर आता है, ओके। सो यहां पर वेयर एंड टियर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो वेयर एंड टियर को यहां पर कम करने के लिए हम लोग यहां पर हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। क्या है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील, ओके। सो यहां पर हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं ताकि वायर एंड टियर कम हो। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं रेल की फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों रेल क्या करता है, इन व्हील्स को एक स्मूथ एंड हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो फ्रिक्शन है ये मिनिमम हो और आसानी से जो व्हील है इसके ऊपर से पास कर पाए, ओके। और इसके वजह से जो ट्रेन जर्नी होता है ये बहुत स्मूथ होता है, ओके। अब दोस्तों रेल की नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, रेल क्या करता है, इन व्हील्स को गाइड करता है। इन व्हील्स को लैटरल डायरेक्शन पे मूव नहीं होने देता है, इधर उधर जाने नहीं देता है, ओके। तो ये क्या है दोस्तों, लैटरल डायरेक्शन। अगर यहां पर मान लीजिए रेल नहीं होता तो ये जो व्हील्स होता ये इधर उधर मूव करता, ओके। तो इनको गाइड करता है कौन, रेल, ओके। और थ्रू आउट द ट्रैक इसको गाइड करते रहता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रेल के ऊपर जो लोड आ रहा है ये क्या करता है, इनको स्लीपर पे भेज देता है। नीचे यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्लीपर। इन स्लीपर्स पे लोड को ये ट्रांसफर कर देता है, ओके। तो ये होता है रेल का फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे स्लीपर्स के बारे में। तो इनको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है ये क्या है दोस्तों, ये है स्लीपर। यहां पर मैं लिख देता हूं ये क्या है दोस्तों, स्लीपर, ओके। तो दोस्तों ये जो स्लीपर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। हो सकता है वुड का, हो सकता है कास्ट आयरन का, हो सकता है स्टील का, हो सकता है आपका कॉन्क्रीट का, ओके। सो पहले हम लोग वुड को यूज करते थे, जैसे कि साल, टीक, इन सब वुड से बनता था ये जो स्लीपर। फिलहाल दोस्तों बनता है कॉन्क्रीट से, ओके। अब यहां पर देखिए, मैंने जो यहां पर स्लीपर दिखाया है यहां पर स्ट्रेट दिखाया है। तो एक्चुअली देखिए जो स्लीपर का शेप होता है यहां पर मैं दिखा रहा हूं, तो ये है दोस्तों इसका शेप। यहां पर आप देख पाएंगे हम लोग स्लो प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग एडजिंग कहते हैं। तो एडजिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं तो इसके बारे में हम लोग बाद में किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे, ओके। सो जो स्लीपर्स होता है इस तरीके का होता है, ओके। सो स्लीपर्स का फंक्शन क्या होता है चलिए जान लेते हैं। तो स्लीपर्स का पहला फंक्शन क्या होगा दोस्तों, ये इन रेल्स को अपने जगह पे अपने पोजीशन पे होल्ड करता है, ओके। सो यहां पर अगर स्लीपर ना होता तो रेल जो है लैटरल या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन पे इधर उधर मूव कर सकता था, ओके। तो यहां पर जो स्लीपर है ये इनको अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। तो ये है दोस्तों स्लीपर का पहला काम। दूसरा काम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए ये है दो रेल, ओके।
तो इन दो रेल के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गेज। ओके, अब इस गेज को मेंटेन करना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर ज्यादा हो गया कहीं पर कम हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों किस तरीके से होना चाहिए, एक प्रॉपर गेज मेंटेन होना चाहिए। तो इन गेज को कौन मेंटेन करता है, इनको मेंटेन करता है ये स्लीपर्स। ओके, तो ये हो गया इसका और एक फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रेल से जो लोड आ रहा है स्लीपर्स पे, ओके, और स्लीपर क्या करता है, इन लोड को फर्दर बेलास्ट पे भेज देता है। कहां पर भेज देता है दोस्तों, बेलास्ट पे। ओके, ये हो गया इसका थर्ड फंक्शन। और चौथा फंक्शन देखिए दोस्तों, जब इसके ऊपर से हाई स्पीड पे जब ट्रेन गुजरता है तो दोस्तों ये जो रेल्स है ये बहुत वाइब्रेट करता है, और जैसे ही हम लोग स्लीपर के साथ इसको अटैच कर देंगे तो इन रेल्स का जो वाइब्रेशन होता है ये मिनिमाइज हो जाता है। तो ये चार है इन स्लीपर्स का मेनली काम। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेलास्ट के बारे में। ओके, सो इनको मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। सो ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों बेलास्ट, यहां पर मैं लिख देता हूं। ओके, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं बेलास्ट। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो बेलास्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। हो सकता है मोराम से, क्राश स्टोन से, ग्रेवल से, सैंड से, ब्रिक बैट से। सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ये बन सकता है। इंडिया पे हम लोग ज्यादातर देखते हैं दोस्तों क्राश स्टोन से बना हुआ बेलास्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ग्रेनाइट को जनरली यूज करते हैं। ओके, सो ये है दोस्तों बेलास्ट। अब बेलास्ट का फंक्शन क्या है चलिए जान लेते हैं दोस्तों। जो स्लीपर्स होता है, स्लीपर्स क्या करता है, इन रेल्स को होल्ड करता है। अब इन स्लीपर्स को कौन होल्ड कर रहा है, इनको होल्ड कर रहा है दोस्तों ये बेलास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पहला जो पॉइंट है यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, जो बेलास्ट है ये क्या करता है, इन स्लीपर्स को होल्ड करके रखता है अपने पोजिशन पे, लेटरली लॉन्गिट्यूडनली इसको मूव नहीं होने देता है। ओके, ये है दोस्तों पहला काम। अब फ्रेंड्स देखिए, पहले लोड रेल पे आता है, रेल क्या करता है उस लोड को स्लीपर्स पे भेज देता है, और स्लीपर क्या करता है इनको बेलास्ट पे भेजता है, और बेलास्ट क्या करता है इन लोड को फर्दर सबग्रेड और फॉर्मेशन जो होता है इस पे भेज देता है। तो ये है दोस्तों बेलास्ट का और एक काम। फिर दोस्तों देखिए, जो रेलवे ट्रैक है तो इसका एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, और ये लेवल मेंटेन कौन कर रहा है, ये लेवल मेंटेन कर रहा है ये जो बेलास्ट है, ये एक प्रॉपर लेवल मेंटेन कर रहा है। जहां पर मान लीजिए सुपर एलिवेशन देना है सो वहां पर भी कौन मेंटेन कर रहा है, ये जो बेलास्ट है ये प्रॉपर लेवल मेंटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये जो बेलास्ट है ये क्राश स्टोन से बना हुआ होता है, ये होता है ब्रिक बैट से। सो यहाँ पर जनरली कोई भी वेजिटेशन यहाँ पर नहीं देखा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेजिटेशन को ये ग्रोथ नहीं होने देता है, कोई भी पेड़ पौधा हो इसको ग्रोथ नहीं होने देता है। तो ये इसका एक फैसिलिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, बेलास्ट क्या करता है, तो इनमें बहुत ज्यादा पोर्स होता है। सो जैसे ही इसके ऊपर बारिश का पानी आएगा तो आसानी से क्या करेगा, बेलास्ट इन पानी को ड्रेन कर देगा। ओके, इन पानी को बहुत ही जल्दी ड्रेन कर देगा, और इसके वजह से जो ट्रैक होगा ये आपका ड्राई रहेगा। सो ये होता है बेलास्ट का और एक काम। सो आप लोगों को समझ में आ गया बेलास्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये है दोस्तों फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, फॉर्मेशन। ओके, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरली ऑकरिंग जो सॉइल्स होता है इनसे मिला के ये बनाया जाता है, जो फॉर्मेशन है नेचुरली जो ऑकरिंग सॉइल होगा उससे ही ये हम लोग बनाते हैं। ओके, सो ये क्या है दोस्तों, ये है फॉर्मेशन। ओके, सो फॉर्मेशन क्या करता है, फॉर्मेशन इन जो रेलवे ट्रैक है, चाहे वो बेलास्ट हो चाहे स्लीपर हो चाहे रेल हो, इसको ये होल्ड करता है। ओके, ये है दोस्तों फॉर्मेशन, और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों नेचुरल ग्राउंड लेवल। सो इनके बारे में अगर मैं फिर से और एक बार बता दूं, सो फ्रेंड्स देखिए, पहला हम लोगों ने जाना रेल्स के बारे में, तो इसके ऊपर से व्हील्स गुजरता है। ओके, रेल से देखिए लोड आता है स्लीपर्स पे। ओके, स्लीपर्स से देखिए लोड आता है कहां पर, ये है दोस्तों बेलास्ट, बेलास्ट पे लोड आता है, फिर दोस्तों आता है सबग्रेड पे। तो इस तरीके से देखिए काम करता है एक रेलवे की क्रॉस सेक्शन। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।